शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। और जब उनसे कहा जाता है कि जो किताब अल्लाह ने अब नाजिल फरमाई है उसको मानो, तो कहते हैं कि जो किताब हम पर पहले नाजिल हो चुकी है हम तो उसी को मानते हैं, यानी ये उसके सिवा और किताब को नहीं मानते, हालांकि वो सरासर सच्ची है
और जो उनकी आसमानी किताब है उसकी भी तस्दीक करती है। इनसे कह दो कि अगर तुम साहिब ईमान होते तो अल्लाह के पैगंबरों को पहले ही क्यों कत्ल किया करते थे, और मूसा तुम्हारे पास खुले हुए मौजजात लेकर आए, फिर तुम उनके कोहे तूर पर जाने के बाद बछड़े को माबूद बना बैठे, और तुम अपने ही हक में जुल्म करते थे, और जब हमने तुम लोगों से पुख्ता अहद लिया और कोहे तूर को तुम पर उठा खड़ा किया और हुक्म दिया कि जो किताब हमने तुमको दी है उसको जोर से पकड़ो और जो तुम्हें हुक्म होता है उसको सुनो, तो वो जो तुम्हारे बड़े थे कहने लगे कि हमने सुन तो लिया लेकिन मानते नहीं, और उनके कुफर के सबब बछड़ा गोया उनके दिलों में रच गया था। ऐ पैगंबर, उनसे कह दो कि अगर तुम मोमिन हो तो तुम्हारा ईमान तुमको बुरी बात बताता है। कह दो कि अगर आखिरत का घर और लोगों यानी मुसलमानों के लिए नहीं और अल्लाह के नजदीक तुम्हारे ही लिए मखसूस है, तो अगर सच्चे हो तो मौत की आरजू तो करो, और उन आमाल की वजह से जो इनके हाथ आगे भेज चुके हैं ये कभी उसकी आरजू नहीं करेंगे, और अल्लाह जालिमों से खूब वाकिफ है।